नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी के समर्थन में डबरा विधानसभा में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। उपचुनाव में डबरा विधानसभा पर कहीं न कहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं कांग्रेस पार्टी डबरा विधानसभा सीट पर एक बार फिर से अपना कब्जा बनाने में जुटी है। डबरा व्यापारी संघ की बैठक में शामिल हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रतिष्ठित व्यापारी महेश गुप्ता, राहुल गुप्ता, विक्की दुबे और डबरा के अनेकों व्यापारीगण मौजूद रहे। इस अवसर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इमरती देवी के समर्थन में वोट मांगे और जमकर कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि जो व्यक्ति बनी बनाई सरकार नहीं चला पाया, वे सरकार क्या बनाएगा। कांग्रेस सरकार का नेतृत्व है जो बूढ़ा हो गया है, अब उस पार्टी संभालने की ताकत नहीं रही। दोष सिंधिया जी और भाजपा पर लगाते हैं, गृह मंत्री ने कहा। पर उपस्थिति सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि 13 साल में जो विकास कार्य नहीं हुए हैं, उन्हें हम केवल 3 साल में पूरा करके देंगे। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि बहन इमरती देवी को इस उपचुनाव में विजय दिलाएं। डबरा से संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। अगर काम नहीं हुए तो हम मिश्रा जी से भी लड़ जाएंगे कि तुम्हें ने तो भगवाए हमें और तुम काम नहीं दिवा रहे। तो हम आपका विकास चाहते हैं, डबरा को सुंदर बनाना चाहते हैं, डबरा को एक अच्छा बनाना चाहते हैं। और आप 12 साल आपके बीच में मैं रही हूँ, 2008 से और 20 तक आपके बीच में रही हूँ। सभी यहाँ व्यापारीगण बैठे हैं, अगर मेरे से कोई भूल चूक भई हो तो मुझे माफ कर दे, पर एक बार और जिता दे, बस फिर मजे से नहीं जिता दे। धन्यवाद। जय। हम समझ ही नहीं पाते कि इसकी सरकार कैसी बनेगी और कैसे बना लेगा ये, जो व्यक्ति बनी बनाई सरकार नहीं बचा पाया है, वो बना कहां से लेगा। दिल्ली सरोबा जगदीश सरोबा कहते हैं कि दिल्ली में जिसकी सरकार होती है राज्य में उसकी मदद ज्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं। और उसके बाद भी आप देखिए लगातार विधायक टूट रहे हैं। कांग्रेस के पास एक अक्षम नेतृत्व है, ऐसा नेतृत्व है जो बुजुर्ग हो गया है, उसमें पार्टी नहीं समझ रही है। सिंधिया जी को दोष देने से कोई लाभ नहीं है, सिंधिया जी के तो 14 होंगे, 16 होंगे, ये तो 28-29 हो गए, और एक और टूट गया कहीं तो कमलनाथ 30 मार खा हो जाएगा। ये स्थिति हो जाएगी कांग्रेस की। 10 साल में कांग्रेस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई आज तक। आप मेरे सब अपने हो, स्वजन हो, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं आने वाले 3 साल बाद जब विधानसभा होगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेगा।